विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता जो हमेशा अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और गुड लुक्स के लिए जाने गए। बेहद हैंडसम, खूबसूरत और दमदार शख्सियत के मालिक थे विनोद खन्ना। आज एक बार फिर विनोद खन्ना की कहानी याद आई है। 4 साल पहले 27 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन विनोद खन्ना ने दुनिया को अलविदा कहा था। विनोद खन्ना तो अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके स्टारडम के चर्चे आज तक होते हैं। इसके साथ ही चर्चा होती है उस भूल की भी, जिसके चलते उन्होंने अपने इसी स्टारडम को रातों रात खो दिया था। शानदार अभिनेता के पास तब रहने के लिए ना घर बचा था और ना ही जेब में पैसे। विनोद खन्ना के करियर में संघर्ष का ऐसा पड़ाव क्यों आया था, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कैसा था विनोद खन्ना का स्टारडम। साल 1968 में विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत सुनील दत्त के प्रोडक्शन की फिल्म मन की मीत से की थी। पहली फिल्म में ही विनोद खन्ना के अभिनय का जलवा ऐसा था कि तब उनके सामने सोमदत्त स्टार ब्रदर होने के बावजूद फीके पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने पूरब पश्चिम, आन मिलोद सजना, मेरे अपने जैसी हिट फिल्मों की बदौलत इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम विलन का खिताब हासिल किया। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने तो विनोद खन्ना को करियर को ऐसे पंख दिए कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को पछाड़ कर वो टॉप हीरोज की लिस्ट में नंबर 2 तक पहुंच गए। उनके आगे सिर्फ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन थे। विनोद खन्ना बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बराबर फीस लेने लगे थे। उन दिनों में मर्सिडीज को स्टेटस सिंबल माना जाता था और विनोद खन्ना कभी अपनी मर्सिडीज से नीचे कदम नहीं रखते थे। लेकिन उसी दौरान विनोद खन्ना ने अपनी माँ को खो दिया। माँ के निधन से विनोद परेशान रहने लगे। तब महेश भट्ट ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु रजनीश के आश्रम में जाने की सलाह दी, जिसके बाद विनोद खन्ना अध्यात्म की तरफ जाने लगे। सोमवार से शुक्रवार तक विनोद खन्ना अपनी फिल्मों की शूटिंग करते और शनिवार रविवार पुणे स्थित ओशो आश्रम में बिताते। फिर आया साल 1982, जब विनोद खन्ना ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बॉलीवुड छोड़ने और हमेशा के लिए अमेरिका में स्थित आचार्य रजनीश के आश्रम में जाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही विनोद खन्ना की उस स्टारडम पर भी ग्रहण लग गया जिसे उन्होंने बेहद मेहनत से हासिल की थी। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में 6x4 फुट के कमरे में रहते हुए माली बनकर दिन गुजारने लगे थे। वो विनोद खन्ना से स्वामी विनोद भारती बन गए थे। लेकिन करीब 4 साल बाद विनोद खन्ना जिस तरह अचानक गए थे, उसी तरह अचानक ही वापस बॉलीवुड में लौट आए। लेकिन तब तक वक्त पूरी तरह से बदल चुका था। पत्नी गीतांजलि से उनका तलाक हो चुका था। स्टारडम को तो वो खुद ही ठोकर मार के गए थे। उनके पास रहने के लिए ना घर था, ना जेब में पैसे और ना ही काम। कभी मर्सिडीज में घूमने वाले विनोद खन्ना तब टैक्सी में काम की तलाश में डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे थे। ऐसे में महेश भट्ट और फिरोज खान जैसे उनके पुराने दोस्तों ने उन्हें सहारा दिया। फिरोज खान ने उनके साथ फिल्म दयावान बनाई, जो माधुरी दीक्षित के साथ उनके बोल्ड सीन की वजह से चर्चा में रही थी। लेकिन उनके करियर को उछाल मिला 1989 में आई फिल्म चांदनी से। हालांकि ये भी सच है कि अपनी दूसरी पारी में विनोद खन्ना कभी वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाए जिसे उन्होंने खुद ठुकराया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।